जी बच्चा लोग, आज का टॉपिक होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस इवोल्यूशन ऑफ मैन को यहाँ पर सीक्वेंसेस में मैंने दिखाया है, और आपको छोटा सा एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा स्पेशली। ओके, तो सबसे पहला आएगा आपका ड्रायोपिथेकस, जो कि एंसेस्टर था एप और मैन का। डिटेल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ड्रायोपिथेकस के बाद देन आया आपका शिवापिथेकस, शिवा के बाद रामापिथेकस, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन आफ्टर होमो हैबिलिस, देन आफ्टर होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमैग्नॉन एंड होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है ना? यानी कि ऐसे कह सकते हो आप, ड्रायोपिथेकस शिवापिथेकस, रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमैग्नॉन एंड होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, यानी आप कह सकते हो कि DSRA डेफिनेशन है, छोटा सा ट्रिक है, DSRA HHMC HSS। DSRA जैसे DSLR होता है ना, वैसे आप कह लो DSRA HHMC HSS। ठीक है ना? ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्पेशली ड्रायोपिथेकस को डायरेक्ट इंसान का एंसेस्टर नहीं मानते हैं। शिवापिथेकस शिव जी थे, ठीक है ना, शिव से आए राम, शिव और राम चले गए ऑस्ट्रेलिया, शिव से आए राम, राम के बाद ऑस्ट्रेलिया, यानी शिव और राम दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। देन ये देखो, दोनों नाम एकदम सिमिलर है, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, बड़ा आसान है, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस। देन नियंडरथल क्रोमैग्नॉन एंड होमो सेपियंस सेपियंस। यहां पर भी मैं आपको फिगर में बनाने दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखो ड्रायोपिथेकस बहुत ज्यादा झुका हुआ है, ये अभी हम लोग डिटेल इसको देखेंगे। ड्रायोपिथेकस के बाद शिवापिथेकस, ये भी डायरेक्ट एंसेस्ट्री नहीं कहला सकता। रामापिथेकस में मैन लाइक कैरेक्टर ज्यादा आ गए थे, यानी डायरेक्ट एंसेस्टर रामापिथेकस। ये देखो रामा थोड़ा सा सीधा हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और भी ज्यादा इरेक्ट हुआ। होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, ये जरा ध्यान दीजिएगा, होमो इरेक्टस वर्ड आ गया, इरेक्टस फुल्ली इरेक्ट मैन, पूरा सीधा है ये। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है स्पेशली डिफरेंट टाइप्स के सिक्वेंसेस के। तो यहां पर बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एप मैन की, यानी एप मैन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली ड्रायोपिथेकस की। ये ड्रायोपिथेकस का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो आपने झुका हुआ बंदर जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एप लाइक है, बंदर ना बोलो जी, एप लाइक स्ट्रक्चर जो है एप बोलते हैं, ठीक है ना। ड्रायोपिथेकस, इसको हम प्रोकंसल नाम से भी जानते हैं। स्पेशली क्या है इसकी खास बात, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ये क्या है, स्पेशली कॉमन एंसेस्टर है एप का और मैन का। तो याद रखिएगा, ड्रायोपिथेकस दैट इज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, ठीक है ना। डिस्कवर्ड बाई लेक विक्टोरिया। मोर एप लाइक, इसके जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ज्यादातर ये एप जैसे ही थे। आर्म एंड लेग ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। और एप की सबसे अच्छी कैरेक्टर बताऊं जो इंसानों से अलग है, कि इनके हाथ और पैरों की जो लंबाई थी वो लगभग सेम थी। बॉडी टू हेरी, और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इंसानों जैसे शरीर पे कम बाल ना होकर के इनमें बॉडी बहुत ज्यादा हेरी था यार, ठीक है ना। वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, और स्पेशली ये गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह चलते थे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एप मैन, जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो मॉडर्न एप मैन है ये उसका डायरेक्ट एंसेस्टर है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि स्पेशली बेटा लोग, इसका जो पोजीशन था वो सेमी इरेक्ट पोजीशन था, यानी ना तो ये एकदम बिल्कुल सीधा चलता था, ना तो ये बिल्कुल ये बंदरों की तरह झुक कर चलता था, दोनों के बीच का पोजीशन है। पूछो क्यों, क्योंकि हील्स इन फिट, इनके पैरों में हील्स पाया जाता था। ये फॉसिल रिकॉर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि यारा बच्चा बाबू बेटा, ये जो ड्रायोपिथेकस है वो क्या है, सेमी इरेक्ट पोजीशन वाला था। लार्ज ब्रेन, इनका ब्रेन जो था वो लार्ज था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, 300 क्रैनियर कैविटी, इनका जो क्रैनियर कैविटी था वो 300 था। इनमें लार्ज कनाइन और मजल का मतलब समझते हो, मजल मतलब ये बाहर निकला हुआ, जैसे कुत्तों का मुंह बाहर की तरफ ऐसे निकला होता ना, ये स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है ऐसे,
देख रहे हो ना, इंसानों की तरह चपटा ना होकर के ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लार्ज मसल विदाउट ब्रो रिज। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंसानों की तरह यहां पर ये जो ब्रो रिज है ना, आईब्रोज का ये जो हड्डी वाला उभार है, ओके, इनके पास नहीं था जी। ओके, कुछ बातें बेटा मैं आप लोग को और बता दूं, ये आर्बोरियल थे, ज्यादातर पेड़ों पे रहते थे। कनल वॉकर यानी जैसे बच्चे क्या है अपने घुटनों पे चलते हैं ना, मतलब सेमी इरेक्ट पोजीशन वाला ये था। ईट सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लिप्स, ये हर्बीवोर्स था, यानी कि स्पेशली जो है ये सॉफ्ट फ्रूट्स और लिप्स को खाता था। नेक्स्ट आया बच्चा लोग शिवापिथेकस स्पेशली, ये भी वही रॉक ऑफ शिवालिक हिल्स इंडिया में डिस्कवर किया गया था, इसका जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स था। लाइक ड्रायोपिथेकस, इसके ज्यादातर कैरेक्टर ड्रायोपिथेकस की तरह थे। एक बात और यहां पर जानने लायक मैं आपको बताऊं, ये जो अभी शिवा था या ड्रायोपिथेकस थे, इनको एपमैन बोलते हैं। भले भैया एपमैन इनको बोल रहे हो, लेकिन बंदरों वाला कैरेक्टर अभी भी छूटा नहीं है, ठीक है ना। यहां आप देख सकते हो कि स्पेशली इनका जो फोर लिंब था, इनके जो अगले पैर थे या सॉरी अगले हाथ थे, इनका स्कल और इसका इनका जो ब्रेन था वो बंदरों जैसा था, जबकि इनका फेस जॉ और जो टीथ था वो एप लाइक था, ठीक है ना। हैवी जॉ, इनके जॉज जो थे काफी हैवी थे, ठीक है ना, जो इंडिकेट करता है कि इनका वेजिटेशन काफी ज्यादा टफ था। इसके अलावा चिक इनका जो था वो काफी ब्रॉड था, और इनमें खास बात क्या है, टीथ कवर्ड विद इनेमल, और इनमें जो दांत होते थे वो स्पेशली इनेमल से कवर्ड होते थे जी।